जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये स्पेशली कुछ इस प्रकार से वीडियो है क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग अब आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं उनका नंबर अलग अलग डिपार्टमेंट में आने से। जैसे किसी ने SSB भर रखा था या CISF भर रखा था या BSF भर रखा था या CRPF भर रखा था, तो उसकी चॉइस के हिसाब से उनको पोस्ट नहीं मिलने से या किसी कारणवश वो दूसरे स्टाफ में सिलेक्शन होने से, तो कई आप लोग जैसे उस डिपार्टमेंट के अगर व्यक्ति से अगर बात करते हो या किसी से भी आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप सभी को पता है कि सब अलग अलग प्रकार से आपको बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं ये जॉब अच्छी नहीं है, विशेषकर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए। कुछ लड़के भी ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके परिवार वाले भी ये बोल रहे हैं कि ये जॉब अच्छी नहीं है, जैसे BSF या CRPF या ITBP या किसी का CISF किसी लड़की का दिया हुआ था या उसका CRPF या BSF में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे बार बार मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या सच में जॉब अच्छी नहीं है, या अगर आप किसी से बात करते हो, चाहे किसी से भी बात करते हो, चाहे अगर मान लो मेरे से अगर पर्सनली मेरे से बात करते हो या किसी और व्यक्ति जो डिफेंस में सर्विस कर रहा है उससे बात करते हो, तो आप उससे जब बात करते हो वो आपको बोल रहा नहीं लड़कियों के लिए जॉब अच्छी नहीं है या हरासमेंट है या लड़कों के लिए अच्छी जॉब नहीं है। तो पहले मैं बात करता हूँ लड़कियों की, फिर आपको बताऊँगा लड़कों के लिए क्या क्या बात होती है और रियलिटी कितनी है। लड़कियों के लिए विशेष रूप से ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है कि मतलब ऑफिसर आपको हरास करेंगे, हरासमेंट करेंगे या इल्लीगल कुछ आदेश देते हैं या जो आपको नहीं मानने वाले हैं, उनके लिए डिफेंस अच्छी नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, पूरे समाज में, आप पूरे समाज में कहीं पर भी चले जाओ, गलत लोग सब जगह हैं। अगर गलत लोग इस दुनिया में नहीं होते तो फिर तो भगवान श्री राम राम होते ही नहीं। भाई गलत लोग तो सब जगह हैं दुनिया में, लेकिन डिपेंड करता आप पर कि आप कैसे हो। अगर आप अच्छे हो तो आपका कोई भी कितना भी गलत इंसान हो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मैं पहले भी बता रहा हूँ पहले दिन से। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि डिफेंस की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं, तो फिर कौन सी जॉब अच्छी है? प्राइवेट जॉब कंपनियों में जाओ तो वहाँ बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं है। अगर कोई लड़की एक्टिंग करती है तो उसको बोलते हैं फिल्मों में जाना अच्छा नहीं है। अगर कोई बस अगर कहीं और कहीं ड्यूटी करती है तो वो बोल रहे हैं ये अच्छी नहीं है। तो फिर अच्छी क्या है? फिर लड़कियों के लिए अच्छा है क्या? फिर वो तो बताओ ना। आप प्राइवेट जॉब करने जाओगे तो भी बोलोगे अच्छा नहीं है, आप कहीं ऑफिस में काम करने जाओगे तो भी बोलोगे अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसों में पता है कि भाई जो बॉस होते हैं वो मतलब नाजायज डिमांड करते हैं या इस प्रकार की कुछ फिजिकली डिमांड करते हैं। तो ये तो सब जगह होता है, तो क्या ये सच्चाई है? ऐसे कह सोचते हैं मात्र 1-2% जो समाज में सब जगह पाए जाते हैं, वो डिफेंस में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे कि ऐसा नहीं है डिफेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिपेंड करता आप पर कि आप कैसे हो। अगर आप सही हो तो जग सही है। जग में कोई भी इंसान, फोर्स की नौकरी में तो कोई भी इंसान, आप सभी, एक छोटी सी मैं उदाहरण बताता हूँ। अगर मैं आपको कोई गलत वर्ड बोल रहा हूँ या आपके कोई फेर ले रहा हूँ कि चलो मैं आपका नौकरी लगवा दूंगा, आप ऐसे ऐसे करो, तो आपके पास में मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा तो सही ना, तो रिकॉर्ड कर सकते हो आप मेरी बात, तो मेरी तो वर्दी उतर जाएगी। तो ये सभी के लिए, केवल मेरे लिए नहीं, ऑफिसर का कितना ही बड़ा ऑफिसर हो वो भी आपको नहीं बोल सकता कोई भी नाजायज बात, 1 मिनट में वर्दी उतर जाएगी उसकी। तो इस प्रकार का कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपको कोई बता रहा है तो बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात ये ज़्यादा आती है कि सर सच में क्या जॉब अच्छी है या नहीं है लड़कियों के लिए। तो देखो बात ऐसी है कि हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ी सी हार्ड जॉब है डिफेंस की, वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, ना कि केवल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी हार्ड है डिफेंस की जॉब है, तो हार्ड तो है ही, इसमें क्या शक है। अगर हार्ड नहीं होती तो फिर डिफेंस वाले 20-20 साल 25-25 साल तक फिट थोड़ा ना। लड़कों को ये बोला जाता है कि यार फोर्स की नौकरी अच्छी नहीं, जिनसे अगर आप कुछ पुराने लोगों से बात करोगे बोलोगे फोर्स की अच्छी नहीं है। अरे भाई जब अच्छी नहीं तो आप छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी को? बात ये होती है, रियलिटी क्या होती है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे अगर मेरे से कोई पर्सनली बात करता है या मैं अगर उसको ये बोलता हूँ कि अरे अच्छी नहीं है जॉब, इसमें ऐसा है, यहाँ पर ऐसा छुट्टी की व्यवस्था नहीं है, छुट्टी कम मिल रही है, या परिवार के साथ रहने की, ये परिवार के साथ रहने की ये बातें ना तब आने लगी है जब जेब में पैसा आने लगा है। ठीक है, लोग दुबई या दूसरे देशों में तक कमाने के लिए जाते हैं, स्टेट तो छोड़ो, दूसरे देशों में कमाने तक जाते हैं परिवार चलाने के लिए। तो जब पैसे आने लग गए ना, जो महीने वाले दिन 50,000 रुपया के गिरते हैं ना अकाउंट में, तब मुंह भी बहुत तेज़ी से चलता है, ऐसे ऐसे बहुत बातें आने लगती है लोगों को कि अरे यार फैमिली को रखने की सुविधा ही नहीं है, अरे यार डिफेंस में ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। क्यों ये आज दिखने लगी है प्रॉब्लम? जिस दिन आप ज्वाइन हुए थे ना, उस दिन आपके पास में पैसे नहीं थे ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। तो उन जिन लोगों के पास में पैसे आ जाते हैं ना, कुछ लोगों को अलग हो जाता है सोचने का तरीका भी। और आप एक चीज़ और देखना, आपको आगे जाके देखने को मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग करके, जितने मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे फौज की, वो ज्वाइनिंग करके जब जिस दिन फौज में भर्ती हो जाएंगे ना, उस दिन वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ये बोलेंगे कि मेरे पास तो ये है, वास्तविकता ये नहीं है। ठीक है, चाहे कोई सी फोर्स, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, कोई सी भी फोर्स हो,
सभी फोर्स में कोई भी आपको सुला के नहीं रखेगा, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो। मैं सीधी बता रहा हूँ कि कोई भी आपको सुलाने के लिए नहीं बुला रहा है, आपसे ड्यूटी ली जाएगी, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सुविधा ये होती है, आप बोलते हो कि CISF में अगर फैमिली रखने की सुविधा अच्छी है, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ CISF में अच्छी है तो छुट्टी भी तो वहाँ 45 दिन ही है ना, 30 दिन उनको छुट्टी भी तो नहीं है, 45 डेज है। बाकी सभी फोर्सेज में 75 डेज की छुट्टी है, कुल मिला के मतलब 90 के आसपास छुट्टी चली जाती है, तो उनको वो छुट्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ की गई है। और ये नहीं है कि CISF में आप ज़िंदगी भर फैमिली रख सकते हो, ऐसा CISF में भी नहीं है। और CRPF में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी सर्विस में फैमिली रखने आप मौका ही नहीं मिले। मैं बोल रहा हूँ कि 20 साल की सर्विस में आपको 10 साल के आसपास फैमिली रखने की सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। और 20 हाँ एक चीज़ और, कुछ लोग बोलते हैं सर आप 20 साल क्यों बोलते हो, 20 साल में मिनिमम बोलता हूँ, मैक्सिमम आप 35 साल या जब तक आपकी एज 60 साल हो तब तक कर सकते हो CRPF में या CISF या ITPP इनमें ये जॉब। मिनिमम बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 साल भी सर्विस करते हो तो भी आपको 10-12 साल आपको फैमिली रखने की सुविधाएं मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं मिलती, कुछ एरियों में नहीं मिलती है। तो ये तो सभी फोर्स में, तो गलत कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। मुझे बताओ अगर इतना ही अगर गलत होता तो आज कितनी लड़कियां फोर्स में ड्यूटी कर रही हैं। तो घर के काम करने इजी है क्या, आप मुझे एक बात बताओ, घर पे जो काम करते हैं इजी है, मजदूर आपके पिताजी या मेरे पिताजी या कोई भी कोई इंसान खेती में काम करता है पूरे दिन पछता है, 200-300 रुपये मिलते हैं उसको, तो उससे पूछो ना इजी क्या है। तो इजी तो कुछ है ही नहीं, आपको अगर घर का काम करोगे तो वो भी हार्ड है, लेकिन फोर्स की नौकरी ये बोलते हैं कि लड़कियों के लिए कोई भी इस प्रकार का आदेश कुछ भी नहीं होता है, कोई नाजायज आदेश नहीं होता और ना कोई आपको फोर्स कर सकता है। अब आप ही गलत हो तो फिर दुनिया ही गलत है। और वो लोग तो फौज में नहीं या समाज में, आप जो अपने आसपास में भी देख लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही गलत है, उनके मतलब उनकी मानसिकता ऐसी होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, उनकी मानसिकता ऐसी है, वो फौज में तो नहीं है वो सब, तो फिर भी ऐसे होते हैं। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपके लाइफ फोर्स नहीं है तो क्विट करने का, फोर्स की जॉब क्विट करने का आपको हमेशा ऑप्शन बना रहता है। कोई ज़रूरी 3 महीने की पेमेंट पे करनी है, 3 महीने आप सोच लो कि मुझे क्विट करना, 3 महीने ड्यूटी करके आप क्विट कर जाओ, कोई रोक रहा है क्या आपको, भाई कोई नहीं रोक रहा ना, अच्छी नहीं लगे छोड़ दो। और ट्रेनिंग की रही बात कि आप ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, तो ट्रेनिंग तो आपके लिए बेटा फ़ायदा है, ट्रेनिंग तो ऐसा फ़ायदा है कि ज़िंदगी लाइफ बना देगी तुम्हारी ट्रेनिंग। ज़िंदगी में फिजिकली फिट कभी अनफिट नहीं होगी, ज़िंदगी भर के लिए लाइफ बना देगी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो मतलब आप लोग पैसे देते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, आपको गवर्नमेंट पैसे भी देगी और ट्रेनिंग भी देगी, जबकि लोग ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे देते हैं लाखों, और लाखों रुपये में भी वैसी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। आप वहाँ पे जाओगे ना तब पता चलेगा कि एक बंदे पे गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा खर्च करती है, तो वो तो लाइफ बना देगी ट्रेनिंग तो तुम्हारी। तो इसलिए इन बातों को छोड़ो कि जॉब ऐसी है या ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब मिल गई है वो अच्छी है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके परिवार की स्थितियों से बढ़कर कोई जॉब नहीं हो सकती। हाँ अगर आपको लगता है कि आप दूसरा एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, आपकी तैयारी बहुत तगड़ी है, तब आप रिस्क ले सकते हो जॉब छोड़ने का या ज्वाइन नहीं करने का। अगर आपको लगता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप फाइट कर लोगे, आपका स्कोर अच्छा रहेगा, आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, तो एक बात अलग होती है, तब तो आप रिस्क ले सकते हो ज्वाइन नहीं करने का। लेकिन जिनको लगता है कि अरे मेरे को तो जॉब की नीड है, अब आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है कि ये जॉब अच्छी नहीं है या यहाँ पर ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता जी, जिसके पैसे आने लगते हैं ना जेब में, फिर बातें भी आने लग जाती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मैं बोलूँगा अरे क्या है, अरे जॉब से कमा के मैंने तो बताया भी बहुत कुछ कर लिया, और ड्यूटीज़ तो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको रोना नहीं है, ड्यूटी हम भी करते हैं आपको भी करनी पड़ेगी, नाजायज़ क्या होता, कोई जायज़ ही ड्यूटी करनी है। कोई भी हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ लड़कियां हर एक बटालियन में हैं, कोई आंख उठा के भी नहीं देखता, क्यों, क्योंकि सभी के बहन हैं सभी के बेटियां हैं, सभी आप और हम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अभी उधर हो तो जैसे आपके भाई बंधु है, वहां पे भी कुछ लोग ख़राब होते हैं और यहां पर भी कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं, तो ये तो जैसे 5 अगर हाथ की उंगलियां वो भी अलग अलग होती है, तो वो सेम बाहर और अंदर का सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप जॉब में हो तो आपको कोई गलत नहीं बोल सकता, कोई भी ऑफिसर चाहे कोई भी हो, ऑफिसर हो चाहे कोई आपका साथी हो जवान हो, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता, एक वर्ड भी गलत नहीं बोल सकता। इसलिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप अगर आपको लगता है कि आप दूसरी वैकेंसी फाइट कर लोगे 100%, तो आप रिस्क ले सकते हो, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई कमी नहीं है दोस्तों। आप सही, जग भला, जय सियाराम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।